हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए बेहद गंभीर हैं और खुद इसकी कमान संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स की समस्या खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर काम करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स की समस्या खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स न केवल अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कई तरह के वित्तीय लेन देन से ड्रग्स के मामले जुड़े होते हैं। ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तस्करों को जेल भेजने के साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त करना होगा। हरियाणा में तो हाल ही में कई जगहों पर तस्करों की संपत्तियों को नष्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत को नशा मुक्त करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी राज्य में नशा मुक्ति के लिए कड़े कदम उठा रही है। ड्रग तस्करी से राष्ट्र सुरक्षा को भी खतरा होता है, इसलिए मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सभी विभागों के समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि समय समय पर सरकार के पास ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में भी कभी कभी नशे का सामान उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए प्रदेश में जितनी भी नशा मुक्ति केंद्र चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी संगठन के माध्यम से चलाए जा रहे हों, उन सभी की मैपिंग की जाए और सर्वे कर यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का नारा है कि तो निश्चय तो कर, नशा पकड़वाओ नशा छुड़वाओ। इसके लिए एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर 9050891508 को भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस नंबर पर प्रचार सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ हरियाणा परिवहन की बसों में भी किया जाए ताकि आमजनों को जागरूक हो सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे भी राज्य सरकार की नशा मुक्ति की मुहिम से जुड़े और जहां कहीं भी नशा तस्करी या नशे के उपयोग की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि नशे के खात्मे के लिए इसकी मांग और आपूर्ति की चेन को तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज से नशे की मुक्ति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसलिए नशे की बुराइयां, उससे होने वाली बीमारियां और समाज में इसके प्रतिकूल प्रभाव जैसे विषयों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर समाज विशेषकर युवाओं को जागरूक करें। इतना ही नहीं, शीघ्र ही कोई एक दिन निश्चित करें कि उस दिन स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध एक शपथ दिलाई जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।